नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को प्रयागराज में लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि इसमें किसी की मिली भगत तो है। न्यायालय ने राज्य सरकार से 2017 के बाद हुई 183 पुलिस मुठभेड़ पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य पुलिस के अनुसार मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता संभालने के बाद से कई पुलिस मुठभेड़ में 183 लोग मारे गए हैं। 6 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया गया है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की बेंच ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए, जिसमें कहा गया है कि इन मुठभेड़ का विवरण, जांच की स्थिति, दायर आरोप पत्र और मुकदमे की स्थिति का विवरण दिया जाए। पीठ ने कहा है कि अतीक की सुरक्षा में 5 से 10 लोग थे, कोई कैसे आकर गोली मार सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की मिलीभगत ना हो? इसने गैंगस्टर से नेता बने अहमद की बहन आयशा नूरी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया। नूरी ने याचिका में अपने भाइयों की हत्या की व्यापक जांच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ और इनमें पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था और कहा है कि राज्य सरकार पहले ही इस तरह का एक आयोग बना चुकी है। बहरहाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। देखने वाली बात यह होगी कि रिपोर्ट आने के बाद क्या फैसला होता है।